हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, हम भी अच्छे हैं। और बताइए। सो गाइस, हम अब निकल चुके हैं और आप हालत देख रही हो कितने बुरे तरीके से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं आप करीब से देख रहे हो और आप सोच सकते हो कि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देखिए कितने सारे पत्थर पड़े हैं। ये सारे पत्थर की वजह से ही दो दिन से सभी लोग, जितने भी आपको ये पब्लिक दिख रही है, सभी गाड़ियों में बंद थे। सब अपने घर से दूर, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से आया हुआ था। और इतनी बुरी हालत होने के बाद यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ शायद एक दो गाड़ियों के ऊपर पत्थर पड़े हैं। ये जो आप दीवार देख रही हो, ये बारिश आने की वजह से जो ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, इनसे दीवारें टूट गई हैं। तो जब इतनी मजबूत है, दीवार टूट चुकी हैं, तो इनके नीचे जो एक दो गाड़ियाँ आई होंगी, उनका क्या हाल हुआ होगा बाकी, और हमें नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, सुनने में ऐसे ही आया था कि एक दो को चोट लगी है और शायद एक्सपायर हुए हैं। पर दो दिन से इतनी बुरी हालत हो रखी थी कि आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद था। बारिश लगातार बनी हुई थी यहाँ पे, बारिश बनी हुई थी बिल्कुल भी। और आप हालत देख रहे हो रोड की, ये भी थोड़ा बहुत दो दिन तक यहाँ सफाई चली है, रोड़े अलग करी गई है, पत्थर हटाए गए हैं, आप सामने देख रहे हो। और अभी भी काम चल रहा था, बट इतना हुआ है कि आने जाने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता खोल दिया गया है ताकि उन्हें और दिक्कतें और परेशानी ना हो। सो गाइस, यहाँ से हम धीरे धीरे निकल लिए हैं। फाइनली दो दिन के बाद हम अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। घर के लिए तो खैर क्या, अभी तो कहाँ घर पहुँचेंगे हम। अब यहाँ से 3 बजे निकले हैं, तो पहले हम अमृतसर जाएंगे। वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे कितने बजे तक पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ पे रूम लेंगे। जो दो दिन की हमारी थकान है वो रूम लेके वहाँ पे रहेंगे। और फिर थोड़ा सा जो वहाँ पे देखने की चीज़ें हैं, गोल्डन टेंपल और भी जो एक दो जगह हैं वहाँ पे, वो देखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग इन्जॉय करते रहें ऐसे ही। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर कर दिया करो गाइज। गाइज, आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप बड़ों के साथ या बच्चों के साथ, किसी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल में किसी के भी साथ अगर बाहर घूमने जाते हैं, तो मेरी एडवाइस ऐसी है कि आप लोग अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पे ऐसे काम होने जायज़ है कि आप लोगों को क्या पता किस चीज़ की कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए। तो मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ पर अपनी खाने पीने की जितनी भी सुविधा होती है वो सारी अपने साथ रखनी चाहिए। मेरी तो एडवाइस ये भी है कि गैस सिलेंडर तक अपने साथ रखो, क्योंकि हमने डिसाइड किया है अब हम कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी जगह पे अगर जाते हैं तो अपना पूरी तैयारी करके हम तभी घर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि हमने दो दिन ऐसे बिताए हैं कि उन दो दिनों को बिताने के लिए हमें बहुत अक्कल आ गई है, क्योंकि हमें कुछ खाने पीने को मिला ही नहीं था। जो भी था वो मैंने आपको पहले व्लॉगों में शेयर किया है कि हमने पूरा दिन क्या खा के गुजारा चलाया था। बच्चों तक ने भी खाना नहीं खाया था सारा दिन। वो सुबह 10:30 बजे से लेके और रात को 9-10 बजे तक उन्होंने यही एक चाय और कुछ नमकीन में ही टाइम बिताया था। और हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतनी ख़राब हालत में भी हमें पता है कि हमने कैसे हैंडल किए हैं चीज़ें, और बाकी पब्लिक जो थी उन बेचारों ने कैसे हैंडल की हैं। सो गाइस, प्लीज़ जो भी जहां भी जाएं अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएं। सो यहां से अब हम निकलने के बाद डायरेक्टली आपको सीधा मिलेंगे हम पंजाब में, अमृतसर में।
और वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ। तब तक आप इंजॉय कीजिए, ओके। एंड दिस प्लेस यार, ये देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई और फिर से बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। हमें जितना हो सके उतना ना इन जगहों पर थोड़ा संभल के रहना चाहिए, संभल के ही चलना चाहिए। हर चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी भी पानी किस तरीके से आ रहा है पीछे, अगर आपने देखा होगा तो। बट यार कभी भी लाइफ में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप 2 मिनट लेट पहुंच जाओ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों का क्या मानना है। ऊपर देख रहे हो अभी भी किस तरीके से जाम लगा हुआ है कि कहीं से कहीं तक भी गाड़ी घिस सकती हुई नज़र नहीं आ रही होगी आपको। इतना गंदा हाल है बारिश की वजह से कि ऊपर अभी भी जाम लगा हुआ है। टाइम लग रहा है ऊपर के एरिया को साफ होने में, और यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं क्योंकि ऊपर के जो लोग फंसे हुए हैं वो नीचे से जाके आधे इधर से जा रहे हैं, आधे उधर से जा रहे हैं इस तरीके से। बट कोशिश बहुत की है तब जाके हम 2 दिन में निकले हैं, हमें राहत मिली है। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप